जनपद में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देर रात चोरों ने दो थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आधा दर्जन मकानों को निशाना बनाया, जिसमें गांव वालों ने एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें, थाना राया और गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत आधा दर्जन मकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मोहन नगर में हुई पहली वारदात, जहाँ से हजारों का सामान चोरों ने पार कर लिया। दूसरी वारदात राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिरसुआ में हुई। गांव वालों ने रात्रि के समय ही एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। आए दिन चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। तभी तो बेखौफ होकर बदमाश चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और मौके पर पुलिस मौजूद है, वहाँ पर जांच की जा रही है और तहरीर लेने की कार्रवाई भी की जा रही है। उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक राया अंतर्गत मौके से पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और कैसे क्या हुआ वो जब पड़ताल हो जाएगी उसके बाद जो है अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। और जो चीज कॉलर है, चूड़ी है और वो झुमकी है, कानन के पान की तोड़िया है और कोंदनी है, तो और 30-40 हजार रुपया। अच्छा, तो किसी को देखा है तुमने? नहीं, हमने नहीं देखा। देखे नहीं है, कहाँ है, क्या है, कैसे गए, कैसे चले गए। जब नीचे से आवाज दी बेटा ने, पापा बदमाश आ गए तीन, तुरंत मैं नीचे आया हूँ। देखा तो एक लड़के, एक बदमाश को मेरे बेटा ने पकड़ लिया। बेटी ने भी पहचान लिया, उसे गांव का ही था। बेटा ने तुरंत उसको पकड़ लिया। दो अन्य साथियों ने जो डांटा मार रखा था, उन्होंने उसमें धक्के मार दिया और अलग कर दिया उसको, छुड़ा के ले गए उसको। तुरंत ही फिर बेटा वापस घर आया, वापस घर आया, बोले पापा मैंने पहचान लो, कपिल नाम का एक लड़का है। कपिल ने ऐसे ऐसे मतलब सब सामान निकाल लो, तो एक पर्स में, मेरी पत्नी के पर्स में दो अंगूठी थी, एक पाजीब थी, 2200 रुपये थी, उसको ले गए पर्स सहित। मेरी बेटी के में एक अंगूठी थी और 700 रुपये थी, उस पर्स सहित उसको ले गए। फिर तुरंत ही हमने सोलोमर पे फोन किया। सोलोमर पे फोन करने के बाद ही आधा घंटा में करीब पुलिस आई है सोलोमर वाली।